अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज खेलने के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड से पूरी तरह से तैयार। वही आईपीएल 2022 के रिगार्डिंग काफी सारे बड़े बड़े अपडेट्स आ रहे हैं बार बार। जी हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 8 दिसंबर 2021 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में। जहां पर एक तरफ क्रिकेट का महासंग्राम यानी वीआईपीएल 2022 के रिगार्डिंग आप सभी आईपीएल फैंस के लिए बीसीसीआई ऑफिशियल्स की तरफ से दो तीन बड़े बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज खेलने के लिए फाइनली यहां पर आज भारतीय टीम की अनाउंसमेंट होने वाली है। और उसके अलावा भी यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों को वन बाय वन पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़ा हर एक छोटा बड़ा अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गुवाए अब हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है इंडिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका 2021 को लेकर। यहां फाइनली यह आधिकारिक तौर पर कंफर्म हो चुका है कि भाई 16 दिसंबर को भारतीय टीम अफ्रीका के दौरे के लिए रवाना होने वाली है, जहां पर भारत और साउथ अफ्रीका आपस में 3 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलने वाले हैं। और फाइनली यहां पर इस सीरीज का पूरा कार्यक्रम बीसीसीआई और साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है, जहां पर सबसे पहले 26 दिसंबर से हमें 3 मैचों की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी और उसके बाद यहां पर 3 मैचों की वनडे सीरीज होने वाली है। जो 4 मैचों की T20 सीरीज होने वाली थी उसको यहां पर अफ्रीका में COVID-19 के नए वेरिएंट के फैलने की वजह से फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। वो सीरीज हमें अभी हाल ही में इस सीरीज के साथ देखने को नहीं मिलने वाली है। हालांकि आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी भी इस सीरीज पर कुछ बड़े डिसीजन हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भाई आने वाले टाइम में हमें पता चल जाएगा कि भाई जो COVID-19 का नया वेरिएंट उसका किस तरह का असर, भाई किस तरह से वो किस स्पीड से फैलता है, उसके रिगार्डिंग ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। तो भाई एक बार फिर से बीसीसीआई और भारत सरकार मिलकर इस दौरे पर एक बार फिर से डिसीजन लेने वाली है। लेकिन दोस्तों आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि फाइनली यहां पर बीसीसीआई ने कल आधिकारिक तौर पर अनाउंसमेंट कर दी कि भाई आज यहां पर इस दौरे के लिए भारतीय टीम के फाइनल स्क्वाड्स की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, जहां पर भारत की 20 सदस्यीय टेस्ट टीम चुनी जाएगी। वनडे टीम का ऐलान यहां पर अभी नहीं किया जाएगा, वनडे टीम का ऐलान कुछ वक्त के बाद किया जाएगा, केवल टेस्ट टीम का आज ऐलान होने वाला है। टिल नाउ जो लेटेस्ट अपडेट्स उनके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि आज शाम को 7 बजे या फिर रात के 8 बजे इस सीरीज के लिए भारतीय टीम के फाइनल स्क्वाड्स की अनाउंसमेंट होने वाली है। अजिंक्य रहाणे यहां पर एक बार फिर से हमें भारतीय टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन के तौर पर यहां पर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। हालांकि आप सभी को पता है कि अजिंक्य रहाणे लगातार उनके आउटफॉर्म होने की वजह से कॉन्ट्रोवर्सी में चल रहे, लेकिन भाई भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली उनका सपोर्ट कर रहे। उसके अलावा यह सभी को पता है कि बीसीसीआई की तरफ से भी उनको यहां पर अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, जिसके चलते भाई इस दौरे पर भी वो एज वाइस कैप्टन कंटिन्यू करने वाले हैं। हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए सेकंड टेस्ट महामुकाबले के दौरान इंजरी की वजह से वो बाहर हुए थे, लेकिन भाई टिल नाउ जो लेटेस्ट अपडेट उनके मुताबिक ऐसा ही बताया जा रहा है कि भाई अपनी इंजरी से वो पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं, इस दौरे पर डेफिनेटली वो रवाना होने वाले। भाई हनुमा विहारी को यहां पर भारतीय टेस्ट टीम में एक बार फिर से जगह मिल सकती है, क्योंकि फिलहाल इंडिया ए की टीम जो अफ्रीका के दौरे पर है वहां पर इंडिया ए और अफ्रीका ए टेस्ट सीरीज के लिए जहां पर लगातार 3 मैचों में 350 जड़ दी है हनुमा विहारी ने, जिसके चलते भाई उस परफॉर्मेंस के बलबूते पर उनको यहां पर मेन स्क्वाड्स में भी शामिल किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है क्रिकेट का महासंग्राम यानी वीआईपीएल 2022 के रिगार्डिंग। जी हां कल यहां पर आईपीएल 2022 की स्टार्टिंग डेट एंड फॉर्मेट को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट हमें देखने को मिला, जहां पर भाई पहले ही ऐसी रिपोर्ट निकल कर आई थी कि आईपीएल 2022 में 10 टीमें पार्टिसिपेट कर रही। तो आप सभी को पता है कि आईपीएल 2011 में भी आईपीएल में कुल 10 टीमें थी और वहां पर जिस फॉर्मेट के साथ आईपीएल 2011 होता बिल्कुल उसी फॉर्मेट के साथ हमें आईपीएल 2022 देखने को मिलेगा। जी हां मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि कुल 74 मैचेस हमें यहां पर देखने को मिलेंगे, जिनमें से 70 मैचेस तो यहां पर भाई आप सभी को बताया कि जो ग्रुप स्टेज या फिर नॉकआउट स्टेज के होने वाले हैं और 4 मैच यहां पर मतलब जो क्वालिफाइज होने वाले हैं वो होने वाले हैं। इस तरह से 74 मैचों का यहां पर पूरा का पूरा कार्यक्रम बना है। स्टार्टिंग डेट को लेकर भी बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। अपडेट कुछ ऐसा कि भाई यहां पर स्टार्टिंग फर्स्ट वीक ऑफ है
अप्रैल 2022 से हमें आईपीएल 2022 की स्टार्टिंग होती हुई दिखाई देने वाली है और मिड ऑफ जून तक यहां पर आईपीएल को एक्सपेंड किया जा सकता है, ऐसी यहां पर सोर्सेज के हवाले से रिपोर्ट निकल कर आ रही है। लेकिन दोस्तों कुछ खबरें ऐसा भी दावा कर रही कि भाई फर्स्ट वीक ऑफ जून 2022 में हमें आईपीएल 2022 का फाइनल महामुकाबला देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर भी आईपीएल 2022 के रिगार्डिंग निकल कर आ रही है। यह खबर निकल कर आ रही है अहमदाबाद और लखनऊ की टीम को लेकर। जी हां, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि इन दोनों टीमों को यहां पर अपने अपने नए कप्तानों की जरूरत है और अपने नए कप्तानों की खोज को पूरा करने के लिए दोनों टीमें आईपीएल 2022 के ड्राफ्ट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाली है, जहां पर आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले इन दोनों टीमों को तीन तीन स्पेशल पिक्स मिलने वाली है और भाई तीन तीन बेस्ट खिलाड़ी को मेगा ऑक्शन से पहले अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। वैसे में यहां पर टिल नाउ जो लेटेस्ट अपडेट उनके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि भाई अहमदाबाद टीम की जो निगाह है वो पूरी तरह से यहां पर केएल राहुल पर रहने वाली है। केएल राहुल को डेफिनेटली यह टीम ड्राफ्ट प्रोसेस के जरिए अपनी टीम में शामिल करने वाली है। वही दूसरी तरफ लखनऊ की टीम की जो निगाह है वो दो तीन खिलाड़ियों पर रहने वाली है। वहां पर आपके सुरेश रैना भी होने वाले हैं, वहां पर आपका कोई फॉरेन खिलाड़ी भी हो सकता है, लेकिन भाई श्रेयस अय्यर के भी यहां पर काफी ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपके मुताबिक इन दोनों नई टीमों के कप्तान कौन होने वाले हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है इंडियन टीम के ओडीआई कैप्टन को लेकर। जी हां, कल मैंने पिछले अपडेट में आप सभी लोगों को बताया था कि भाई सोर्सेज के हवाले से ऐसी रिपोर्ट निकल कर आ रही है भाई अफ्रीका के खिलाफ जो वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया जाएगा, तो वहां पर ऐसा हो सकता है कि विराट कोहली ओडीआई कैप्टनशिप से स्टेप डाउन कर दे, रोहित शर्मा या फिर कोई और खिलाड़ी हमें यहां पर भारतीय टीम का नया कप्तान दिखाई दे रहे। लेकिन भाई अब जो लेटेस्ट अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं उनके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि भाई अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में विराट कोहली ही भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए नजर आने वाले हैं। हालांकि आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आज यहां पर इस सीरीज के लिए भारतीय टीम के टेस्ट स्क्वाड्स की अनाउंसमेंट होगी और जो वनडे सीरीज होने वाली उसके लिए अभी स्क्वाड्स की अनाउंसमेंट नहीं होने वाली है, उसको यहां पर थोड़ा सा डिले किया गया। क्या इश्यूज है, क्यों यहां पर डिले किया गया, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे यह पूरा का पूरा मामला सॉर्ट आउट हो जाता है तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट इंडिया पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है यूएई टी20 लीग को लेकर। जी हां, मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि भाई यूएई टी20 लीग का सीजन 1 यहां पर होने के लिए जा रहा है, जहां पर भाई काफी सारे बड़े बड़े खिलाड़ी पार्टिसिपेट करने वाले हैं और फाइनली यहां पर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बिक चुके हैं। जी मीडिया ने यहां पर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लिए हैं। जी हां, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि सोनी और जी मीडिया इन दोनों ने मिलकर यहां पर ये जो ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स है वो $120 मिलियन में ले लिए हैं और भारत में लाइव टेलीकास्टिंग हमें इन दोनों ही के चैनल्स पर देखने को मिलेगी। और जैसे ही यहां पर भाई चैनल्स के रिगार्डिंग फाइनल लिस्ट आ जाती है तो अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है आज 8 दिसंबर 2021 क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें। इन सभी खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल किस वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिएगा इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।